तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो इस वाली वीडियो में Redmi Note 11 सीरीज़ से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे Redmi Note 11 सीरीज़ में इंडिया में एक ही दिन में न्यू सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स रिलीज़ हो चुके हैं और इसी के साथ MIUI 14 की भी न्यू इन्फॉर्मेशन इन डिवाइसेस के लिए सामने निकल के आ चुकी है। तो आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। Redmi Note 11 सीरीज़ जो हमें इंडिया में देखने के लिए मिलती हैं, ग्लोबल में देखने के लिए मिलती हैं, उनमें MIUI 14, Android 13 स्टेबल अपडेट्स कब तक रिलीज़ किए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे Redmi Note 11 की बात करें तो यहाँ पे Redmi Note 11 के लिए हाल ही में एक न्यू इंडिया स्टेबल अपडेट 13.0.5.0 इंडिया स्टेबल अपडेट बेटा टेस्टर्स के लिए 205 MB में विद अप्रैल सिक्योरिटी पैच यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है। अपडेट के डाउनलोड लिंक्स मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो इसी के साथ Redmi Note 11 में यहाँ पे न्यू स्टेबल अपडेट रिलीज़ हो चुका है, वो भी इंडिया स्टेबल में। और इसी के साथ Redmi Note 11 Pro 4G के लिए भी 13.0.7.0 इंडिया स्टेबल अपडेट विद अप्रैल सिक्योरिटी पैच रिलीज़ हो चुका है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे Redmi Note 11 सीरीज़ में एक ही दिन में MIUI 13 पर न्यू बेस्ड सिक्योरिटी पैच अपडेट्स रिलीज़ हो चुके हैं। और इसी के साथ Redmi Note 11 Pro Plus 5G के लिए भी 13.0.6.0 इंडिया स्टेबल अपडेट 105 MB में, लेकिन ये अपडेट अप्रैल की बजाय यहाँ पे मार्च सिक्योरिटी पैच के साथ हम सभी को देखने के लिए मिलता है। और इसके भी डाउनलोडिंग्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप सभी को सभी अपडेट्स के डाउनलोड लिंक्स सभी टेलीग्राम चैनल्स यहाँ पे जितने भी MIUI के हैं सबसे पहले डाउनलोड लिंक्स आपको मेरे चैनल पे ही देखने के लिए मिलेंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे देता हूँ। तो फटाफट से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो हमने यहाँ पर बात कर ली Redmi Note 11 Pro Plus 4G और Redmi Note 11 Pro Plus 5G। अब यहाँ पर Redmi Note 11 T5G के लिए भी MIUI 13.0.9.0 इंडिया स्टेबल अपडेट अप्रैल सिक्योरिटी पैच के साथ रिलीज़ हो चुका है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर पूरी की पूरी Redmi Note 11 सीरीज़ में अप्रैल सिक्योरिटी पैच पर स्टेबल अपडेट्स हमें देखने के लिए मिल चुके हैं, लेकिन यहां पर Redmi Note 11 Pro Plus 5G के लिए मार्च का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इनके MIUI 14 Android 13 के स्टेबल अपडेट की। तो यहाँ पे Redmi Note 11 T5G Android 13 से रिलेटेड गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। जैसा कि ये वाला डिवाइस हमें चाइना रीजन में देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए इसके रिगार्डिंग न्यू इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ चुकी है। तो Redmi Note 11 T5G चाइना में Redmi Note 11 5G के नाम से है और इसके लिए Android 13 की टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे Android 13 का स्टेबल अपडेट विद MIUI 14 इस डिवाइस के लिए आपको अप्रैल के एंड तक देखने के लिए मिल सकता है। और इसके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हम सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। इस वाली पोस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर के इसको गूगल से ट्रांसलेट करके भी रीड आउट कर सकते हैं। तो आप इसको इस वाले फॉर्म को फिल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये फॉर्म केवल उन्हीं यूज़र्स के लिए है जो यहाँ पे चाइना स्टेबल Redmi Note 11 T5G में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इंडिया स्टेबल यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको फिल करके MIUI 14 सबसे पहले देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे Redmi Note 11 T5G के लिए Android 13 इंटरनल बीटा टेस्टिंग में आ चुका है और स्टेबल में बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। और बाकी के मॉडल्स में भी आपको क्वार्टर टू में, अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्वार्टर टू में Redmi Note 11 Pro 4G, Note 11 Pro Plus 5G और Redmi Note 11 T5G इनमें MIUI 14 ग्लोबल स्टेबल में देखने के लिए मिल जाएंगे। और आपको क्वार्टर थ्री में इन सभी में इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जब भी अपडेट्स रिलीज़ किए जाएंगे इनके रिगार्डिंग सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मेरे YouTube चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर से करके जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।